Hello everyone, this is your host Swift Savant and this is the KTM RC200. I know it looks mean, it looks killer, but इससे पहले कि हम KTM RC200 की बात करें, आप भूलिएगा मत मोटो वर्ल्ड इंडिया को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, सो दैट आपको सारे अपडेट्स टाइमली मिलते रहे. लेट्स गेट बैक टू द RC, शुड वी? सो व्हाट्स न्यू इन द न्यू RC? क्या नया है? ऑफ कोर्स द डिजाइन टोटली इज वेल. जब हमने स्पाई शॉट्स देखे थे, काफी नेगेटिव कमेंट्स आए थे लोगों की तरफ से कि ये कैसी दिख रही है या डिजाइन उन्हें पसंद नहीं आया. बट गाइज, इन फ्लैश दिस एक्चुअली लुक्स लाइक अ मीन, वेरी एग्रेसिव स्पोर्ट्स बाइक. द RC200 हैज एक्चुअली बीन थ्रू एन अपग्रेड. इट वॉज एक्चुअली लॉन्च्ड इन 2014, बट 2014 से अब तक बजाज ने सिर्फ इसे ग्राफिकल अपग्रेड दिए थे सारे के सारे. बट नाउ इन 2022 द RC हैज कम्प्लीटली चेंज्ड. इट्स रीवैम्प्ड, इट्स ऑल न्यू. क्या क्या न्यू है, लेट्स गेट टू इट. सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट एंड की. इसे एक ऑल न्यू फ्रंट एंड सेटअप मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं. द हेडलाइट इज नाउ अ LED टाइप सेटअप. बेसिकली ये सिर्फ इंडियन मॉडल्स को है. इंटरनेशनल मॉडल्स विल स्टिल हैव द हैलोजन टाइप सेटअप इन द हेडलाइट्स. अदर देन दैट, द फ्रंट गेट्स अ ऑल न्यू विंडस्क्रीन दैट्स कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट एंड वेरी वेल थॉट ऑफ. ये बेसिकली स्पेसिफिकली जब आप ट्रैक्स पे चला रहे हैं, आपको विजिबिलिटी के बहुत काम आएगी. इसे एक बहुत प्यारा टेक्सचर भी दिया है KTM ने, जो कि इसके ओवरऑल लुक्स को एनहांस करता है. अदर देन दैट, द DRLs एंड द इंडिकेटर्स आर ऑल्सो इंटीग्रेटेड इन द फ्रंट ओवरऑल डिजाइन. लेट मी शो यू हाउ इट रन्स. वैसे तो DRLs मुझे काफ़ी वीक लगे. इट इज ओनली व्हेन यू स्टार्ट द बाइक दैट यू विल सी द DRLs. या एज यू कैन सी देर आर द ट्विन DRL सेटअप्स हियर एंड हियर. ऑल्सो द इंडिकेटर्स कम इंटीग्रेटेड इन देम. मैं आपको चला के दिखाता हूँ कैसे दिखता है. वो भी एक LED टाइप सेटअप ही है. अब बात करता हूँ इसके एग्जॉस्ट नोट की. सिंस मैंने गाड़ी चालू की है, आप सुन सकते हैं कि इसकी एग्जॉस्ट नोट काफी सिमिलर है टू द व्हाट वाज बिफोर. जैसे कि आपने सुना, एग्जॉस्ट नोट काफी सिमिलर है फ्रॉम द आउटगोइंग RC बिकॉज इंजन कंप्लीटली सेम है. सो और क्या बदला है इस नई RC में? वेल, हमने जो TFT स्क्रीन 390s में देखी थी, 390 एडवेंचर में ऑफ कोर्स एंड ड्यूक 390s, उसमें TFT स्क्रीन थी. ड्यूक 250 जब आई, उसमें एक LCD टाइप डिस्प्ले आया. वेल, एग्जैक्टली वही डिस्प्ले KTM ने अब RC200 में डाल दिया है. सो ये जो नया डिस्प्ले है, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे कि ट्रिप 1, ट्रिप 2, ओडोमीटर, गियर इंडिकेटर, डिजिटल क्लॉक, हीट मीटर. अदर देन दैट, इट ऑल्सो गेट्स अ मैलफंक्शन इंडिकेटर, ABS मैलफंक्शन इंडिकेटर एंड लो ऑयल लेवल इंडिकेटर. अदर देन दैट, हाउ हैज इट चेंज्ड? वेल, द फोक्स नाउ आर द सेम. वो WP के एपेक्स के ही है, बट उनमें अब 10 mm ज़्यादा ट्रैवल है. पहले RC को 120 mm ट्रैवल था फ्रंट में, अब ड्यू टू द बिगर पिस्टन दैट देव यूज्ड, इसे अब 130 mm का ट्रैवल मिलता है आगे. हैंडल बार की जो पोजिशन भी है, वो अब पहले से 14.4 mm ऊपर की तरफ है. वेल, 14.4 mm आपको शायद बहुत कम लग रहा होगा, बट इट इज एक्चुअली बॉट सम चेंज. राइडिंग पोजिशन जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है अब. पहले बहुत एग्रेसिव थी, पहले बहुत ज़्यादा कमिटमेंट मांगती थी, बट अब जो पोजिशन है ओवरऑल इस RC की, वो कम कमिटेड है, ज़्यादा कंफर्टेबल है, सो दैट आप इस सैडल में ज़्यादा देर तक बैठे रहे एंड ज़्यादा लंबे डिस्टेंसेस इजीली कवर कर पाए. अदर देन दैट, आप टैंक देखेंगे तो कम्प्लीटली न्यू है. ऐसी टैंक हमने शायद किसी और RC पे देखी नहीं है. यूजुअली RCs को जो है फ्रंट पे बैटरी फिट होती थी, बट इन दिस न्यू जनरेशन ऑफ RCs एंड न्यू जनरेशन ऑफ डिज़ाइन व्हाट KTM हैज यूज्ड, द बैटरी सिट्स हियर समवेयर हियर. इट गेट्स दिस ऑल न्यू फ्यूल टैंक. व्हाट्स न्यू इन दिस फ्यूल टैंक? वेल, पहले की जो फ्यूल टैंक थी वो 9.5 लीटर की थी, बट अब जो है इसे एक 13.7 लीटर्स की फ्यूल टैंक मिलती है, जिससे कि बेसिकली आप डिस्टेंसेस ज़्यादा कवर कर पाएंगे विदाउट द स्टॉपिंग ऑफ फ्यूल. सो व्हाट काइंड ऑफ रेंज डू वी एक्सपेक्ट? बेसिकली हमने जब चलाई इसे यहाँ बजाज के ट्रैक पर, ये हमें कुछ 28 to 32 KMPL
दे रही थी व्हाइल वी आर थ्रॉटलिंग इट हार्ड. हम कंटिन्यूसली इसे भगा रहे थे एंड तभी भी ये गाड़ी 28 टू 30 का दे रही थी माइलेज. वेल इन रियल वर्ल्ड वी एक्सपेक्टेड टू बी समवेयर नियर 40. स्पीड्स की बात करूँ द बाइक ईजिली डज 125 टू 130 kmph. बट उसके बाद का जो स्ट्रगल है वेल द स्ट्रगल इज रियल. इट वॉज ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ द वेट ऑल्सो. मेरे जो बाकी राइडर्स थे दोस्त थे जो मेरे साथ चला रहे थे उनने कुछ 140 kmph तक लॉक कर पाए. वेल इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इट्स एग्जैक्टली इन लाइन्स जो पुरानी आरसी देती थी. जस्ट द एक्सपीरियंस इज मच मोर मैच्योर्ड मच मोर प्रीमियम. कमिंग बैक ये जो सीट देख रहे हैं आप वो भी कम्प्लीटली न्यू है. अब अगर आप टच करें यू विल फील दैट सॉफ्टनेस देयर. द आरसीज वर ऑलवेज फेमस फॉर अ वेरी हार्ड सीट बट इन दिस न्यू जनरेशन ऑफ आरसी KTM ने बेसिकली यहाँ पर डबल फोम यूज किया है ऑन द राइडर सीट एंड देयर इज अ सेपरेट पिलियन सीट नाउ विच वॉज ऑलवेज मिसिंग. पहले जो थी वो सीट इंटीग्रेटेड आती थी ओवरऑल डिजाइन के साथ बट नाउ फाइनली KTM हैज थॉट ऑफ अ कंफर्टेबल वेरी सॉफ्ट पिलियन सीट. दैट्स नॉट इट. यही काफ़ी नहीं है KTM ने और क्या अपग्रेड किया है. वेल KTM RCs को एक बहुत ही वियर्ड सा ग्रैब हैंडल मिलता था एक साइड पर पकड़ने के लिए बट नाउ द न्यू RC 200 गेट्स एक्चुअल फंक्शनल ग्रैब हैंडल्स विच ओवरऑल एड टू द लुक बट ऑल्सो मेक इट मोर ईजी फॉर द पिलियन टू होल्ड एंड सिट कम्फर्टेबली. अदर देन दैट द टेल सेक्शन द टेल LED लाइट इट्स बीन मेड मोर एग्रेसिव. एज यू कैन सी द डिजाइन लाइन्स आर मोर एग्रेसिव मोर शार्प. अदर देन दैट वॉट एल्स हैज चेंज्ड. वेल आपने शायद नोटिस किया ही होगा कि KTM RC 200 के डिस्क को रोटर्स नहीं है. इसके जो डिस्क है यूजली आप देखेंगे बाइक्स में तो डिस्क जो है वो स्टेनलेस स्टील के रोटर्स पे माउंट होते हैं बट KTM हैज अगेन टेकन द लीप हियर. यहाँ पर उनने वो स्टील रोटर्स को मिस कर दिया है. डायरेक्टली द डिस्क हैज बीन माउंटेड ऑन द मैगवील्स. अदर देन दैट ये मैगवील्स भी जो है वो कम्प्लीटली न्यू है. बेसिकली KTM ने इस पे भी कुछ 950 ग्राम वेट कम किया है. इंजन कंपोनेंट्स में भी कुछ चेंजेस लाए गए हैं दो द परफॉर्मेंस इज सेम एंड ऑल्सो दे हैव सेव्ड सम kg ऑफ वेट देयर टू. अदर देन दैट व्हाट एल्स इज न्यू. वेल आपको दिखने में शायद ये गाड़ी उतनी ही लग रही हो बट द ट्रेलिस फ्रेम ऑन विच द कंप्लीट बाइक सिट्स इज ऑल्सो ऑल न्यू नाउ. इट्स मोर स्ट्रॉन्गर इट्स मोर अजाइल इट्स मोर स्टेबल एवरीवेयर एंड एनीवेयर यू टेक इट आउट. बेसिकली ये अब इसे अब एक स्प्लिट टाइप चेसिस मिलती है तो आपको अगर चेसिस में कभी कुछ इशू आ जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए यू कैन ऑलवेज रिप्लेस द फ्रंट पार्ट और द रेयर पार्ट. और क्या नया है. वेल लिस्ट अभी बाकी है दोस्तों. और क्या नया है इसकी बात करूँ तो वेल अब RC 200 को सुपर मोटो ABS मिलता है. बेसिकली यू कैन लॉक योर रेयर व्हील यू कैन स्लाइड इट आउट wherever यू want. एंड दैट इज द फर्स्ट टाइम कि RC 200 को सुपर मोटो मोड दिया गया है. दूसरा अपग्रेड जो KTM ने यहाँ दिया है वो है रेडिएटर पे. रेडिएटर अब कर्व्ड शेप में है. बेसिकली इसे अब 10% ज़्यादा सरफेस एरिया मिलता है विच बेसिकली विल एनहैंस द ओवरऑल कूलिंग ऑफ द बाइक. ये गाड़ी को ज़्यादा देर तक चलने में हेल्प करेगी एंड ओवरऑल रिलायबिलिटी एंड कूलिंग को हेल्प करेगी इंजन के. एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई KTM की एंड चाहूँगा कि KTM हर बाइक में ये लगाए वो है एडजस्टेबल गेयर लीवर एंड ब्रेक लीवर. व्हाट इज एडजस्टेबल. वेल गाइस दे फोल्डेबल. हाउ लेट्स सी. सो एवरी टाइम यू कॉर्नर दिस बेंड्स इट्स फिटेड विद द स्प्रिंग. सो हर बार आप कॉर्नर करें या आपकी गाड़ी गिर जाए तो उस मोमेंट पर ये जो है यूजुअली KTM से टूट जाते हैं बट नाउ KTM हैज थॉट अबाउट इट. उनने उस पर दिमाग लगाया है एंड उसे एक स्प्रिंग लगा के लोड कर दिया है. सो एवरी टाइम यू वॉन्ट टू कॉर्नर हार्ड और यू गोइंग टू फॉल यू डोंट रियली हैव टू वरी कि वो टूटेगा या किधर टच होगा. वो अपने आप बेंड हो जाएगा. हाउ कूल इज दैट एंड हाउ स्मार्टली KTM हैज थॉट अबाउट इट. ओवरऑल बात करूं तो अब पीछे के सस्पेंशन की बात करते हैं. इसे सेम वही 10 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता है जो कि पुरानी RC पे आता था. इन टर्म्स ऑफ टायर्स वेल इसे अब MRF के Revs C1 टायर्स आते हैं
एंड फ्रंट पे जो है 110/670/17 का टायर आता है, तो रेयर पे 150/60/17 का टायर आता है। वेल, ग्रिप थोड़ी सी मुझे कम लगी, वो भी एंड कॉर्नर्स पे, बट इन टर्म्स ऑफ इंडियन रोड्स एंड ओवरऑल लाइफ ऑफ द टायर्स दे आर डिसेंट। अब बात करते हैं ब्रेकिंग की। वेल, KTM ने जो है इसे फ्रंट पे एक 4-piston कैलिपर दिया है फ्रॉम बाइबर, एंड ऑन रेयर सिट्स अ फ्लोटिंग डिस्क ऑफ 230 mm विद अ सिंगल पॉट कैलिपर। ओवरऑल द परफॉर्मेंस, द ब्रेकिंग बाइट जो ऑफर करती है वो काफ़ी बढ़िया है। किसी पॉइंट पर यहाँ इस ट्रैक पर भी भगाते हुए हमें ऐसा नहीं लगा कि गाड़ी के ब्रेक्स ओवरहीट हो रहे हैं या फेड आउट हो रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। KTM ने खास ध्यान दिया है कि ये जो गाड़ी है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, रेस ओरिएंटेड RC 200, वो रेस के टाइम किसी भी तरीके से अपने परफॉर्मेंस में या अपने जो कैपेबिलिटीज़ है उनमें डाउनटर्न ना हो। अदर दैट, ओवरऑल एज अ पैकेज द RC 200 हैज बिकम मोर अजाइल, मोर निम्बल एंड मोर मैच्योर्ड। राइडिंग पोजिशन जो है इन टर्म्स ऑफ फुट रेस्ट बात करूँ तो वो वही है, इट इज़ सेम एज द ओल्डर RC, इट इज़ एज एग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ फुट स्टैंड, बट इन टर्म्स ऑफ योर शोल्डर्स देर इज नो मोर दैट स्ट्रेस ऑन योर शोल्डर। कॉर्नर में बहुत स्टेबली चल रही है गाड़ी, जो पहले मॉडल्स थे वो काफ़ी फिशटेल या काफ़ी स्वे करते थे, बट द काइंड ऑफ वेट डिस्ट्रीब्यूशन KTM ने यहाँ किया है STC के साथ, वेल शानदार, मजा आ गया गाड़ी चलाने में। लेट मी टेल यू हाउ दिस RC 200 राइड्स। एज यू कैन सी द पोजिशन इज नॉट वेरी एग्रेसिव नाउ, नीज फिट रियली वेल हियर। ये जो इंजन भी है वो पावर जो है काफ़ी शानदार डिलीवर करता है। देर आर नो वाइब्स एनी वे थ्रू आउट द रेव बैंड। आप इस इंजन को 11,500 RPM तक भी ईजिली खींच सकते हैं एंड आपको कोई वाइब्स नहीं फील होंगी। ये बेस्ट बात है इस इंजन की। ओवरऑल ये गाड़ी को कॉर्नरिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, आप इसे लीन करते जा सकते हैं एंड ये गाड़ी कभी रुकेगी नहीं, कॉर्नर में बहुत शानदार मज़ा आता है। ओवरऑल इन द खास स्पेसिफिकली इन द ट्विस्टीज, यू लव द वे दिस RC परफॉर्म्स। ब्रेकिंग की एंड ओवरऑल कंट्रोल की बात करूँ तो ये टायर्स और ब्रेक्स काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है, दे गिव यू गुड बाइट एंड गुड कॉन्फिडेंस टू रिप दिस अपार्ट। आप थ्रॉटल देते वक्त कभी भी ऐसा महसूस नहीं करेंगे कि ये गाड़ी ओवर पावर्ड है या आपको ओवर पावर कर लेगी। काफ़ी कंट्रोल्ड, काफ़ी लीनियर पावर डिलीवरी एंड काफ़ी मैच्योर्ड परफॉर्मेंस रहा है ओवरऑल। RC 200 जो पहले थी उससे अब एक बहुत मैच्योर्ड रूप में पेश की गई है KTM की तरफ से, एंड आई एम श्योर कि जो नई जनता है स्पेसिफिकली द कम्यूटर्स वुड लव टू ओन अ बाइक दैट लुक्स सो ब्यूटिफुल, सो अमेजिंग, सो किक ऐस, बट राइड्स this beautifully and maturely. That's what all we are looking for, right? Dikhe bhi shandar and aapke sare kaam bhi karte. Well, the sprocket ratio is the same, the gearbox is same, the engine, the 200cc engine that produces 25 Nm of torque and 19.4 PS of power. Well, wo bhi same hai. Iska jo airbox bhi hai, wo ab 40% zyada better pada hai. उससे होता क्या है, वेल द इंजन ब्रीज बेटर, अब इंजन सांस अच्छे से ले पाता है एंड जो डिलीवरी है टॉर्क डिलीवरी वो काफ़ी लीनियर है। अब पहले एक झटके में पावर आती थी, बट आप अक्रॉस द रेव रेंज आप थ्रॉटल देते जाइए, आपका जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है, जो टॉर्क डिलीवरी है वो काफ़ी लीनियर है एंड देर आर नो सडन सरप्राइजेज, सो दैट मेक्स इट मोर लाइकेबल। ऑल्सो जो रो सिटिंग पोजिशन है वो अब ज़्यादा एकोमोडेटिव है। ये जो नया टैंक का शेप है वो काफ़ी हेल्प करता है आपको ग्रैब करके बैठने के लिए आपके नीज के साथ, विच इज़ अ प्लस वन। आई रियली लव्ड द राइडिंग पोजीशन ऑफ इट। आपको दिखने में ये गाड़ी पहले RC से थोड़ी ह्यूज लगेगी, वेल बट चलने में इट्स मच मोर निम्बल, मच मोर अजाइल एंड मच मोर कंट्रोलेबल। प्राइस एट 2.09 lakhs, ये पहले RC से ऑफकोर्स एक प्रीमियम डिमांड करती है, बट जो जो अपग्रेड KTM ने दिए है इसे, वेल आई फाउंड देम वर्थ द बक दैट KTM इज डिमांडिंग। रेयर RC 390 भी जो है इसका बड़ा भाई, वो बहुत जल्द KTM लॉन्च करेगा, ये हमें उनके ऑफिशियल्स ने बताया है। डिफरेंस ये होगा कि उसमें और ज़्यादा फीचर्स लोडेड होंगे। वेल TFT स्क्रीन इज समथिंग जो मुझे शायद अच्छी लगती है इसमें। अदर देन दैट, राइड बाय वायर अगर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट कर पाते RC में तो ये ओवरऑल थ्रॉटल रिस्पॉन्स को और प्रीमियम बना देते।
बट देन अगेन एक सवाल आता है कॉस्ट वर्सेस फीचर्स का. सो ऑन दैट लाइंस ओवरऑल जो पैकेज KTM ने यहाँ डिलीवर किया है इट लुक्स स्मैकिंग, लुक्स रियली एग्रेसिव एंड जैसे कि मैंने कहा रियल लाइफ में बहुत शानदार दिखती है. तो ये बात भैया RC भी कोई अलग नहीं है. परफॉर्मेंस स्पिक एंड स्पैन, क्वालिटी एंड लेवल ऑफ डिटेलिंग इन फिनिशिंग इज रियली नाइस. देर आर नो अनड्यू कॉर्नर्स, कोई आड़े जड़े पैनल नहीं है एंड फिट एंड फिनिश भी बहुत शानदार है. ये सीट का जो फिनिशिंग भी दिया गया है, जो मटेरियल है वो काफ़ी अच्छा है, प्रीमियम फिनिश है एंड स्पेसिफिकली व्हेन राइडर्स एंड पिलियन सेटिंग यू होल्ड इट यू फील दैट ये सीट जो है वो काफ़ी ग्रिप दे रही है. सो हर एक एलिमेंट जो है गाड़ी का KTM ने सोच समझ कर बनाया है इस बार एंड दैट इज समथिंग आई रियली लव्ड. वेल कस्टमर इसे पसंद करते हैं या नहीं ये सवाल का जवाब तो सेल्स स्टार्ट ही बताएंगे. मुझे कैसी लगी ये मैं आपको बता चुका हूँ. आपको क्या लगता है और क्या मिसिंग है या क्या आपको पसंद आया इस RC 200 के बारे में आप हमें बताइए डाउन देयर इन कमेंट सेक्शन. कोई सवाल भी होगा आपका तो प्लीज़ वहाँ कमेंट्स में लिखिए ताकि हम उसे आपका जवाब दे पाए. बाकी ओवरऑल जो है KTM RC फाइनली इंडिया में पहली बार लॉन्च हुई है. दिस इज द फर्स्ट टाइम कि कोई बाइक इंटरनेशनल मॉडल्स में लॉन्च नहीं हुई है एंड इंडिया में लॉन्च हुई है. एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि बजाज ने जो कि एक होल्डिंग कंपनी है KTM में उनने डिसीजन लिया कि इंडिया को पहले मौका दिया जाए इस शानदार प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस लेने के लिए. दैट्स ऑल फ्रॉम द KTM 200 RC रिव्यू गाइज. आई सी यू नेक्स्ट टाइम ऑन द नेक्स्ट रिव्यू. टिल देन एडियोस.